नमस्कार, वेलकम टू डे टू ऑफ 30 डेज चैलेंज। तो आज की भी दिन की शुरुआत यूं ही चाय से हुई। आज मैंने सैलेड भी खाया और ड्राई फ्रूट्स भी खाए, और मैं आज भी CMA ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। और आज 3 घंटे के सेशन की जगह 4 घंटे का सेशन हो गया बिकॉज़ मैंने MCQs भी सॉल्व करे। और नाश्ते में आज मैंने मैगी खाई, विच वॉज़ माई फेवरेट। मैं मैगी से कभी बोर नहीं हो सकती। और फिर मैं पढ़ने बैठ गई। 3 या 4 घंटे इकट्ठा पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल मेरे लिए, तो 5 और 10 मिनट का ब्रेक इज़ नेसेसरी। तो आज फॉर सम रीज़न मुझे हेडेक हो रहा था, मुझे लगा शायद डिहाइड्रेशन के कारण है। और जब से ना मैंने पानी पीने पे ध्यान देना शुरू किया है, तो मुझे नहीं पता था कि जस्ट पानी पीने से इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती। सो स्टे हाइड्रेटेड। फिर मैंने अपना रूम जमाया जो कि बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, और आज मेरा अर्बैनिक का पैकेज भी आ गया फाइनली। मैंने एक ड्रेस ऑर्डर करी थी जो कि मेरे ऊपर कुछ ऐसी लग रही थी, इट इज़ लुकिंग फाइन। और फाइनली आज इतने दिनों के बाद वेदर इतना ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ इतनी गर्मी थी, बस धूप ही निकल रही थी। इट इज़ अ मॉनसून सीज़न, बट बारिश का तो कहीं नामो निशान नहीं है। देन आई वॉज रीडिंग दिस बुक विच इज़ द माउंटेन इज़ यू। मैं इसको इतने टाइम से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे पता नहीं इतना जल्दी बोर हो जाती हूँ मैं। 4 या 5 पेजेस से तो मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही हूँ। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल किया जो कि घूमने गए थे बाहर। लिटरली जब मैं घर आ रही थी हॉस्टल से, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी हॉस्टल लाइफ और अपने इन फ्रेंड्स को मिस करूँगी इतना ज़्यादा। एंड आई होप कि हम सब फिर से जल्दी से मिल पाएँ, क्योंकि आई रियली डू मिस हैंगिंग आउट विद दीज पीपल। आज का दिन तो काफ़ी बोरिंग और लेजी था मेरे लिए। पता नहीं मुझे आज इतना डल क्यों फील हो रहा है। फॉर सम रीज़न आई एम फीलिंग रियली रियली टायर्ड। ऐसा लग रहा है मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, बट हुई है। मैंने एटलीस्ट 7-8 घंटे तो सोया ही है रात में। सुबह CMA पढ़ लिया था, 4 घंटे पढ़े थे बिकॉज ऑफ MCQs, और अब मैं SL पढ़ूँगी। SL का मेरा एक्चुअली में टेस्ट भी है इस सैटरडे, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। उसके लिए पहले लेक्चर्स कम्प्लीट करने पड़ेंगे, इसीलिए मन नहीं होने के बाद भी आई हैव टू फोर्स माई सेल्फ कि आज एटलीस्ट 3 घंटे तो पढ़ूँगी, इससे क्या हो पाता है। फिर मैंने SLCM के लेक्चर देखना स्टार्ट किए, जो कि मैं सिर्फ 2 घंटे तक ही कर पाई किसी भी तरह। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। फिर मैंने कुछ नोट्स ही बना लिए फॉर द रिविजन पर्पस। ये थे EBCL के नोट्स, कॉम्पिटिशन एक्ट, बिकॉज वो चैप्टर बहुत बड़ा है तो मुझे उसके शॉर्ट नोट्स चाहिए थे ताकि मैं कभी भी जल्दी से रिवाइज कर सकूं। तो बस आज तो इतना काफ़ी है। लेट्स मीट टुमारो।